Good morning, student. How are you all? Today we will start chapter number 4, House Mouse. Let us start the reading. Mrs. Melody had no children, no friends, no cat, no dog, no parrot. Mrs. Melody ka na koi dost, na koi bachcha, na billi, ना कुत्ता और ना ही उसके पास तोता था. मिसेस मेलोडी लिव्ड अलोन. अलोन मीन्स अकेले. मिसेस मेलोडी अकेले रहती थी. व्हेन पीपल सेड गुड मॉर्निंग टू हर शी स्काउल्ड. जब लोग उसको गुड मॉर्निंग कहते थे वह गुस्से से देखती थी. व्हेन द पोस्टमैन ब्रॉट हर लेटर शी ओपन द डोर द स्मॉलेस्ट ट्रैक टू देम Take them in and banged it shut again. जब postman means डाकिया उसके लिए letters लाता था तो वे दरवाजा खोलती थी. Small crack means थोड़ा सा दरवाजा खोलती और चिट्ठी लेके bank means जोर से आवाज़ करके बंद करना. दोबारा उसको जोर से बंद कर देती थी. All day long she cleaned her house, wiped the windows, polished the furniture and scrubbed the skin. सारा दिन वह घर साफ करती, खिड़कियाँ साफ करती, wipe mean पोछना, खिड़कियाँ पोछती, फर्नीचर को पॉलिश करती, चमकाती, scrubbed the skin. Scrubbed means साफ करना और सिंक को साफ करती. Nobody ever came to see it. जबकि वहाँ पे कोई भी उसको देखने नहीं आता था. Underneath her sink, there lived a little mouse. उसकी सिंक के नीचे एक छोटा माउस चूहा रहता था. He was lonely too. वह भी अकेला था. He did no harm in the house. वह घर में कोई नुकसान नहीं करता था. हार्म मीन्स नुकसान. ही डिड नॉट ईट द चीज. ही डिड नॉट मेक होल्स इन द वुड वर्क. ना वह चीज़ पनीर खाता, ना वह लकड़ी के काम में शेक करता था. ही डिडंट लीव डर्टी पाव मार्क्स ऑन द शेल्फ. ना ही वह अपने गंदे पाँव, गंदे पैर के निशान शेल्फ पे छोड़ता था. ही फाउंड ऑल हिज फूड आउट ऑफ डोर्स इन द लॉनली गार्डन. वह अपना खाना घर के बाहर अकेले गार्डन में, दरवाजे के बाहर अकेले गार्डन में ढूंढता था. एंड ओनली केम इनडोर टू गेट सम कंपनी. और घर के अंदर, दरवाजे के अंदर सिर्फ कंपनी को साथ ढूंढने के लिए आता था. बट मिसेस मेलोडी डिडंट लाइक माइस. माइस मीन्स चूहे. बट मिसेस मेलोडी को चूहे पसंद नहीं थे. व्हेन शी कॉट द साइट ऑफ हिम. जब उन्होंने उसको देखा, शी जिल्ड एज इफ अ टाइगर हैड कम इनटू द किचन. वे ऐसे चिल्लाई जिस तरह कोई शेर, कोई चीता, टाइगर अंदर किचन में आ गया हो. दिस वॉज इनफ टू फ्राइटन द माउस अवे. माउस को, चूहे को भजाने के लिए इतना ही शोर काफ़ी था. डराने के लिए इतना ही शोर काफ़ी था. बट द माउस डिडंट स्टे अवे फॉर लॉन्ग बिकॉज ही वॉज सो लोनली. लेकिन चूहा ज़्यादा देर बाहर नहीं ठहर सका क्योंकि वह भी अकेला था. सो ही केम बैक टू मिसेस मेलोडी एंड लिव्ड अंडर द सिंक एंड ट्राई टू कीप आउट ऑफ हर वे. इसीलिए उसने वापस मेलोडी के पास आया और सिंक के नीचे रहता था और उसके रास्ते में आने की, ना आने की कोशिश करता था, उसके रास्ते से दूर रहता था. One day, Mrs. Melody spent the morning dusting everything in the house. एक दिन Mrs. Melody ने सारा दिन घर की सफाई करने में लगा दिया. Afterward, she washed the dusters
and hang them out side by side to dry on the cloth line in the garden. उसके बाद उसने डस्टर जिससे उसने सफाई की थी उसको धोआ. हैंग आउट मीन्स लटकाना. उसको साइड बाय साइड एक एक करके गार्डन में क्लोथ लाइन जो कपड़ों वाली तार है उस पे लटका दिया. देन शी एम्प्टीड आउट द सोपी वाटर बट ड्रॉप्ड द सोप. तब उसने सोपी वाटर जो सरफ का पानी था उसको खाली करना चाहा लेकिन पानी सोप गिर गया. When she bent to pick it up, जब उसने उसको उठाना के लिए झुकी, she slipped, वह फिसल गई and fell on the kitchen floor, और किचन के फ्लोर में गिर गई, किचन के फर्श पे गिर गई. The mouse was scared to find Mrs. Melody lying on the floor with her eyes shut. Mouse was scared. Scared means डरना. To find, चूहा डर गया जब मिसेस मेलोडी उसकी आंखों के सामने फर्श पर लेटी हुई थी और ही रैन राउंड एंड राउंड हर, और वह गोल गोल घूम रहा था. ही इवन टिकल्ड हर चिन विद हिज शार्प लिटिल नोज बट नथिंग वुड वेक हर अप. टिकल्ड मीन्स टच करना. उसने चूहे ने चिन मीन्स ठोड़ी, चूहे ने उसकी चिन को टिकल्ड करने की सॉफ्टली टच करने की कोशिश की लेकिन मिसेस मेलोडी को होश नहीं आई. व्हेन मिसेस मेलोडी डिड वेक अप शी फाउंड शी कुड नॉट मूव. जब मिसेस मेलोडी को होश आई तब उन्होंने पाया कि वह चल नहीं सकती थी.